करेंगे फ्रिक्शन, कॉनिकल पेंडुलम तक पढ़ा हुआ था ना हमने। क्या सर? अच्छा, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में बताया था। हाँ नो सर, नहीं फर्स्ट बताया था। ये फर्स्ट पेज किस तरह बनाते हैं? क्या सर, सर वो बताया तो था? बता सर बताया था। ठीक है, चले आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन में आपने एफएससी वगैरह में पढ़ा होगा कि नहीं? वैसे भी आप लोग बहुत इस तरह की बातें तो आप करते रहते हैं ना। फ्रिक्शन तो पढ़ा है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? सर यस सर। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। तो हमारे पास जो रिजिस्टिव फोर्स होता है दो बॉडीज के दरमियान, जब हमारे पास एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करे तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना? फ्रिक्शन हम किस चीज को कहते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिव फोर्स होती है दो बॉडीज के दरमियान, जब हमारे पास एक बॉडी जो है वो स्लाइड करे दूसरे बॉडी के ऊपर तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, फोर्सेस नहीं फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो एक्ट करेगी किसी भी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन के। ठीक है ना? यानी अगर उसकी मोशन किसी एक डायरेक्शन में होगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारे पास जो है एग्जिस्ट करती है सर्फेसिस के दरमियान। ठीक है ना? इस तरह की सर्फेसिस के दरमियान जब हमारे पास कोई रिलेटिव मोशन भी ना हो। ठीक है ना? यानी इसके लिए मोशन जरूरी भी नहीं है। ठीक है, फिर भी हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है, फोर्स है, वो क्या करेगी? हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। निम्रा, आपको आवाज क्लियर आ रही है? निम्रा? यस सर। इकरा, आपको सही आ रही है? जी सर, क्लियर आ रही है। इकरा इकरा, ये बच्चे बच्चे आपके साथ रो रहे हैं, तो आप किस तरह पढ़ोगे? मैं हैंड फ्री लगाने लगी हूँ अभी। अच्छा जी सर। अच्छा एमन, एमन आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है। हसन? यस सर। आ रही है आवाज आपको? क्लियर आ रही है? जी आ रही है आवाज। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये आवाज का थोड़ा सा मसला है।
जी अभी आवाज क्लियर है आप लोगों को? आ रही है? यस सर। यस अच्छा, तो मैंने पहले बताया आपको कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या चीज है, इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई आपको कि दोबारा से बता दूं? समझ आ गई। भारत से बता कर दें, आज नहीं आई थी। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स होती है किसी भी दो बॉडीज के दरमियान, तो वो कब होगी रेजिस्टिव फोर्स? के एक बॉडी हमारे पास अगर है और वो स्लाइड ओवर करे यानी स्लाइड करे किसी दूसरी बॉडी पे, तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे। तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है वो एक्ट करती है किसी भी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना? यानी अगर कोई भी बॉडी वो मूव कर रही है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है? अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारे पास उन दो सरफेसेस के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास कोई मोशन ना हो, यानी मोशन उसके लिए जो है ना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना? समझ जा रही है अभी? यानी अगर मोशन यस हो या सर। ना यस हो, सर। लेकिन मोशन हो या ना हो, लेकिन फ्रिक्शन जो हमारे पास होगी वो होगी, ठीक है ना? अच्छा, फिर हमारे पास दो किस्म के फ्रिक्शंस हैं, एक को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और दूसरे को क्या कहेंगे? डायनामिक। डायनामिक। ये अब्दुल रहमान आपने बताया, अनुमान। नोमान। अच्छा, कोई और बता दे, कोई सर काइनेटिक। और? काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन होगी हमारे पास, वेरी गुड। ये किसने बताया? सर सर मैंने मैंने बताया। आप दोनों डिसाइड करें, आप दोनों में से किसने बताया? अच्छा ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगी कि जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी जब वो एक्ट करेगी, हाँ, दो सरफेसेस के दरमियान जब हमारे पास वो रेस्ट में हो एक दूसरे के, यानी दोनों जो बॉडीज हैं हमारे पास वो क्या हो? आपस में रेस्ट में हो, ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो उसके दरमियान जो फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स सर होगी, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जी, जी अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में हो तो फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी सर? अभी हम जा रहे हैं ना, ये टॉपिक जब खत्म हो जाए फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ ले, ठीक है ना? ओके सर। उसके बाद, हाँ, अभी तो हमने स्टार्ट किया हुआ है ना, अभी तो हम मोशन की तरफ गए ही नहीं है ना, हम तो स्टैटिक फ्रिक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस होगी जो एक्ट करेगी दो सरफेसेस के दरमियान जब वो रेस्ट में हो एक दूसरे के, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और जो मैक्सिमम फोर्स होगी किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन में, ठीक है, जब हमारे पास वो जो हो ड्राई हो और अनलुब्रिकेटेड हो, ठीक है ना, सरफेसेस हो, तो वो उबे करेगी। ये दो एम्पिरिकल लॉज जो है हमारे पास है, ठीक है ना, कि ड्राई अनलुब्रिकेटेड सरफेसेस, पता है आपको किस चीज को कहते हैं? जी नो कोई सर। बता सकता, ड्राई अनलुब्रिकेटेड सरफेसेस कौन से होंगे हमारे पास? इनाम, साजी जिसमें जिसमें साजी लुब्रिकेट ना हो, ऑयल ना हो, मतलब बिल्कुल ऑयली ना हो, बिल्कुल रफ हो, ठीक है ना? सर जो स्मूथ। अच्छा, तो ये हमारे पास, उसके लिए हमारे पास दो एम्पिरिकल लॉज होंगी कि जब हमारे पास कोई स्टैटिक फ्रिक्शन, हमारे पास मैक्सिमम फोर्स उसमें तब होगी तो कि इंडिपेंडेंट होगी जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है, यानी दोनों सरफेसेस के दरमियान जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है ना उससे इंडिपेंडेंट होगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी।
और जो दूसरा है ना ये प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल फोर्स जो हमारे पास है ना उसके प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है ना। अच्छा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये टॉपिक हम कौन से चैप्टर से पढ़ रहे हैं, तो किसी ने देखा हुआ है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है? सिक्स जी इज अ वेरी गुड। तो अगर बंदा थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ी सी बुक खोल देना तो फिर उसको पता चल जाता है कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं। अच्छा फिर हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा कि जो रेशियो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जो मैक्सिमम फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन की और जो नॉर्मल फोर्स है जो उसकी मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ एस इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एन। जो एफ एस है वो हमारे पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू एस हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और जो एन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। तो ये आपस में इक्वल कब होंगे, एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारे पास है वो इक्वल कब होगा म्यू एस एन के, जब हमारे पास एफ एस जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। और मैक्सिमम फोर्स का हमने बताया कि मैक्सिमम फोर्स के लिए दो एम्पिरिकल लॉज हमारे पास है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा और प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल फोर्स के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास उसके लिए कंडीशन थे। तो ये हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ गई इसकी आसान आसान सी है, रिपीट कर दें। इसको रिपीट कर दूं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास के जो हमारे पास रेशियो होगा ना, ये हमारे पास असल में रेशियो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम फोर्स की, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स नहीं होगा उसके जो मैग्नीट्यूड होगा उसके दरमियान और जो मैग्नीट्यूड होगा नॉर्मल फोर्स जो उस पे लगेगा उसके दरमियान जो हमारे पास रेशियो होगा उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एफ एस जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इक्वल हो जाएगा म्यू एस, म्यू एस हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन टू नॉर्मल फोर्स। तो अगर इससे आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब्दुल वाहिद? यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा हमारे पास? अच्छा अभी हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो किस्म के फ्रिक्शंस होते हैं, एक को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं दूसरे को क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगी, जो रेजिस्टिव फोर्स होगी जो एक्ट करेगी दो सर्फिसेस के दरमियान जब हमारे पास जो मोशन होगी वो रिलेटिव होगी। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, जो मोशन के साथ रिलेट करे, जिस पर अफेक्ट करे मोशन भी साथ उस पर, अगर मोशन ना हो तो नहीं होगी ये काइनेटिक फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन का मतलब ये कि वो जो दूसरे जो दो सर्फेसेस है वो रिलेटिवली एक दूसरे के मोशन में होंगे ना, तो इसको फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना, जो रेजिस्टिव फोर्स उसमें एक्ट करेगी उस पे। अच्छा जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन थी तो उस तरह का भी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये हमारे पास अगर दो हमारे पास पेयर्स होंगी किसी भी बॉडी के, कोई भी दो बॉडी ले ले आप और वो हमारे पास ड्राई भी हो और अनल्यूब्रिकेटेड सर्फिसेज भी उनके हो,
तो वो ये दो एम्पिरिकल लॉज को ओबे करेगी कि ये भी हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कंटेक्ट होगी और ये प्रोपोर्शनल होगी टू द नॉर्मल फोर्स। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, कि ये भी हमारे पास रेशियो होगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन का और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिख लेंगे, एफ के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड टू नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, आसान आसान से है ये। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे रोटर। रोटर में एमन, ये मुझे बताइए ये क्या चीज आपको लग रहा है एमन? एमन यस सर। ये आपको क्या चीज लग रहा है, ये जो है? सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ये जो है ये। पर्सन है कोई? जी, चुड़ैल, चुड़ैल सी है ना। जी, बीएसपीजी का क्या एडमिन ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है? जी। अच्छा, ये आपको कोई बंदा लग रहा है कि कोई चुड़ैल लग रहा है? निम्रा इस क्लास में है? निम्रा, यस सर निम्रा आपको ये क्या लग रहा है? सर, यिन या चुड़ैल? नहीं, ये तो कोई बंदा है, लेकिन मैंने इस तरह बनाया हुआ है कि जिस तरह चुड़ैल लग रहा है। ठीक है ना, ये अली हसन कह रहा है कि ये लड़की है। ये आपको लड़की लग रही है? नो सर। आपको क्या लग रहा है? सर लड़का लग रहा। आपको लड़का लग रहा है? लड़का इस हालत में आपको लग रहा है? ये एग्जाम से पहले, ये सर मुझे तो प्रेप्स में है कार्टून मेरे लगता ख्याल है। में। हाँ, तो ये कोई बंदा है। ठीक है, अभी हम रोटर पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेल होगा, एक सिलेंडर होगा हमारे पास, ये पूरा एक सिलेंडर है। ठीक है ना, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे उसके अपने एक्सिस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटर कहेंगे। ठीक है ना, रोटर के बारे में पहले आपने पढ़ा है? नो सर। नो नो सर, सर नहीं पढ़ा। नो सर नहीं पढ़ा। नो अच्छा, सर। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल है हमारे पास, और ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के। अभी तो अभी भी आप बच्चे हैं, लेकिन पहले जब आप बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, किंडरगार्टन वगैरह या प्राइमरी में पढ़ रहे थे निमरा, तो आपने देखा होगा जी सर। एक चीज हमारे पास, वो एक झूला होता था, उसमें उसके दरमियान में एक स्टेयरिंग लगा होता था, तो अगर उसको हम ज्यादा घुमा देते, याद है आपको कि नहीं? सर याद है। हाँ, उसके दरमियान में बिल्कुल एक स्टेयरिंग होता था, और इस तरह का एक सिलेंडर शेप का एक गोल, बिल्कुल गोल एक चीज होती थी हमारे पास, झूला। तो उसको जब वो उसके एक्सेस से वो रिवॉल्व करते थे ना, तो फिर बच्चे क्या हो जाते थे, याद है आपको? अभी आप कहोगे कि बच्चे डर जाते थे, लेकिन वो अगर आपको याद है, तो वो बिल्कुल साइडों में चले जाते थे ना, जी सर। है ना, वो जो जी उसके सर। साइड्स होते थे या चेयर्स उन्होंने रखी होती थी जिसपे वो बच्चे बैठते थे, तो वो क्या हो जाते थे, बिल्कुल उस साइडों के साथ वो चिपके चिपके रहते थे, चिपके जी किस्म सर। के, है ना? यस सर। हाँ, तो उसी तरह का एक कंसेप्ट है हमारे पास। अभी आपको सही समझ फिर आ जाएगी कि हमारे जी पास, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बंदा है और वो रोटर के अंदर दाखिल हुआ, एंटर हुआ, और
जो इसके कुछ एक डोर होगा इस राउटर का, तो हमने वो डोर खोल के वो बंदा इसमें दाखिल हुआ, ठीक है ना। और वो ये जो सिलेंडर है, इसके सिलेंड्रिकल शेल है, इसके वाल के साथ ये बिल्कुल कड़ा हो गया, ठीक है ना। और रोटर को हमने रोटेट करना स्टार्ट किया। हमारे पास एक इसके साथ एक मोटर लगी होगी और एक बटन होगा, तो जब हम बटन ऑन करेंगे तो रोटर चलना स्टार्ट कर देगा। तो जब रोटर चलना स्टार्ट कर दे तो हमारे पास, हम क्या करेंगे, इस जो सिलेंड्रिकल शेल है हमारे पास, इसका जो बिल्कुल बॉटम है, इससे जो हम है ना इसको ओपन कर लेंगे। इसका जो फ्लोर है ना, जो नीचे फ्लोर है, उसका हम उसको हम क्या कर लेंगे, फिर ओपन कर लेंगे। तब ओपन करेंगे जब एक खास स्पीड पे ये पहुंच जाए, ये रोटर, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो बंदा है ना, ये नीचे की तरफ जो है ना वो फॉल नहीं करेगा, बल्कि ये प्रेस रहेगा वॉल ऑफ द रोटर के। समझ आई इस किस्से की, जो मैंने आपको इतना किस्सा सुना दिया। यस सर, यस यस सर, जो नानी या दादी अम्मा होती थी ना, अम्माएं, तो वो आपको किस्से इस तरह सुनाती थी, तो आजकल हम आपके नानी या दादिया बन गए हैं, ठीक है ना। तो एमन बताए, मैंने क्या कहा एमन, आप जरा समझा दे एमन जी सर, सर ये जी। हाँ जी बताए। सर ये पर्सन इंटर होगा ना एक रोटर में, फिर डोर क्लोज कर देंगे। कौन सा डोर? सर यहाँ से वो इंटर होगा, हाँ, जहाँ से नहीं एंटर होगा, ठीक है, हाँ सही है, हाँ फिर। सर जब वो मोटर का बटन ओपन करेंगे, ओपन नहीं करते, ऑन करते हैं। ऑन करेंगे, जो नीचे वाला फ्लोर का वो होता है ना, उसके फ्लोर जिस नीचे पे से वो वो इनिशियली खड़ा कड़ा होगा ना, जिस पे वो इनिशियली होगा कड़ा होता है, हाँ। सर, वो ओपन कर देंगे, फिर वो एमन, आपकी उर्दू नीचे कमजोर है या आपको सही समझा नहीं सकते हो? निम्रा आप समझा दे। सर रोटर लेंगे और अंदर एक आदमी खड़ा होगा, उसके बाद उसपे उसको रोटेट करेंगे, रोटर का बटन प्रेस करेंगे तो रोटेशन होगी। जब हम डोर ओपन कर देंगे तो जो आदमी है वो रोटर की साइड के साथ ही खड़ा रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। वो नीचे नहीं गिरेगा, जी सर। हाँ। अभी सबको समझ आ गई? तो यस सर। यस यस सर, वो जो है ना चिपका रहेगा, रोटर के जो वाल्स है ना उसके साथ क्या करेगा, चिपका रहेगा। चिपका का मतलब जानते हो ना, चिपका किसको कहते हैं? जी सर, स्टिक रहेगा, स्टिक जिसको कहते हैं। ठीक है। यस सर, अच्छा, तो जो मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन होगी, जो ये बंदा जिसको प्रिवेंट करेगा कि ये नीचे ना गिरे, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हमारे पास एक बंदा है जिसका मास हमारे पास m है, ठीक है ना, और वो खड़ा हुआ है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द राउटर के, और जो राउटर है उसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है हमारे हाँ पास, ठीक है, कैपिटल आर है हमारे पास। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, हमने बताया अभी कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, म्यू एन के म्यू म्यू एन एस एन के, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, म्यू एस एन के, ठीक है। तो वो एक्ट करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स जो एम जी है। आप इस बंदे को देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो बंदा है इसका वेट नीचे की तरफ होगा ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे होगा, जो वेट है एम जी, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो बिल्कुल जो ग्रेविटी फोर्स से बिल्कुल अपोजिट होगा। ये देख रहे हो एरो मैंने बनाया हुआ है। अच्छा,
तो जो हमारे पास मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन होगी जो प्रिवेंट करेगी बंदे को के नीचे ना गिरे, वो उसको हम मिनिमम स्पीड को ऑफ रोटेशन को क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ओमेगा कहते हैं। तो इस बंदे पे हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस लगेंगी अली, कि कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लगेगी हमारे पास इस बंदे पे सर, अली हसनैन? ग्रेविटेशनल फोर्स और डायनामिक फोर्स, ये क्या हुआ? सॉरी स्टैटिक हाँ, फोर्स। एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट है उसका वो है। हाँ, यस सर, दूसरी स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स जो अपवर्ड की तरफ है, ठीक है यस ना, सर, यस सर। और एक तीसरी फोर्स इस पे लगेगी जो वाल जो इस बंदे पे लगा रही है वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल नॉर्मल फोर्स, फोर्स। नॉर्मल फोर्स। जी, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ये मुश्किल है। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्टिंग है सर, बिल्कुल बिल्कुल है इंटरेस्टिंग है सर। नहीं अच्छा, अभी आपको कौन सा पेज नजर आ रहा है? सर, वही वाला जो आपने सर, ओपन किया रोटर है, वाला, रोटर 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 हाँ वाला। अच्छा, अभी आप देखें, अभी चेंज हुआ ना। यस सर, यस सर, अच्छा, यस तो सर, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो वर्टिकली अपवर्ड थी हमारे पास, हाँ, स्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या थी, जो स्टैटिक फोर्स थी वो क्या करेगी, बैलेंस करेगी जो वेट फोर्स है हमारे पास, ठीक है। और जो बंदा है वो हम स्टिक रहेगा वॉल के साथ, या क्लंग रहेगा या चिपका रहेगा वॉल के साथ, तो जो स्टैटिक फोर्स होगी वो बैलेंस करेगी वेट को, ठीक है ना, एम जी जो हमारे पास है। तो स्टैटिक फोर्स हमारे पास किस चीज की इक्वल है, म्यू एस एन के ना, तो जो नॉर्मल फोर्स इक्वल आ जाएगी एम जी डिवाइड बाई म्यू एस, तो इसको हम इक्वेशन वन कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस सर, यस सर, अच्छा, यस सर, जो नॉर्मल फोर्स की हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ये डायरेक्टेड होगी वॉल से टुवर्ड्स मैन की तरफ ना, तो जो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल फोर्स की, ये उसको क्या करेगी, ये सेम होगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होते हैं, एम बी स्क्वायर सेंट्रीपिटल ओवर आर, एम बी स्क्वायर ओवर आर। एम वी स्क्वायर ओवर आर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास तब होगी कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास एम है, और वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसको हम कहते हैं वी, और वो एक रेडियस के अंदर मूव कर रहा है जिसको हम कहते हैं आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बिल्कुल सर्कल में रखेगी, तो जो नॉर्मल फोर्स है वो इक्वल होगी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो एम वी स्क्वायर बाय आर है हमारे पास, ठीक है ना। नॉर्मल यस फोर्स सर, क्या, नॉर्मल फोर्स यस जो है इस बॉडी को सर्कल में सर, रखेगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी हमने इसको नॉर्मल फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर की इक्वल आया, इसको हमने इक्वेशन टू का नाम दिया। तो अभी हम कंपेयर करेंगे ये जो इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू है। तो अगर इक्वेशन वन और टू को देख ले तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, तो मतलब ये कि राइट साइड भी इक्वल होंगे। यस सर, तो एम जी बाय म्यू एस ये इक्वल आ गया एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के, तो वी इसे हम फाइंड करेंगे तो ये जी आर बाय म्यू एस स्क्वायर रूट आ गया। तो ये रिलेशन है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये म्यू एस हमारे पास क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जो मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन होगी जो इस बंदे को नीचे फॉल करने से रोकेगी, तो उसके लिए हम जो मिनिमम स्पीड निकालेंगे, आपको पता है कि वी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा की इक्वल होती है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आर ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ये जी आर डिवाइड बाय म्यू एस स्क्वायर रूट, और इससे जो हम मिनिमम स्पीड है ऑफ रोटेशन इससे हम इस तरह निकाल देंगे, ठीक है ना।
ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर आर म्यू एस स्क्वायर रूट। तो इससे हम, ये हमारे पास मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन, इससे हम निकाल सकते हैं जो प्रिवेंट करेगी किसी भी बंदे को नीचे फॉल करने से, ठीक है ना, कि नीचे नहीं वो गिरेगा, ठीक है सर जी। ये जो पहले जी के साथ आर था वो कहाँ पे गया है? कौन से जी के साथ आर था? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा था जी आर डिवाइडेड बाय म्यू एस। हाँ तो वी हमारे पास आर ओमेगा के इक्वल है ना, तो एक साइड पे भी आर है दूसरे साइड पे भी आर है ना। तो वो वाला आर तो नीचे लिखा हुआ है ना? हाँ तो एक स्क्वायर रूट के अंदर आर है ना और एक सिंपल आर है। मुनीबा? यस सर। एक जो है ना हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आर है, अगर स्क्वायर रूट से हम आर को निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? स्क्वायर बन जाएगा, वन ओवर आर स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा ना। यस अगर स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट से हम आर को निकालेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा जी। हाँ तो आर स्क्वायर को हमारे पास जो है और दूसरी तरफ हमारे पास आर है जी। ठीक है सर, समझ आ गई। तो इस वजह से हमारे पास आया। अभी आपको क्या नजर आ रहा है मुझे बताएं सर? वही स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा वही स्क्रीन शो हो रही है, चलिए चेंज करते हैं जी। अब हम पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स को। ड्रैग फोर्स के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है? यस सर। यस सर पढ़ा हुआ है। यस सर। ड्रैग फोर्स को हम रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं। तो जो रिटार्डिंग फोर्स होता है वो एक्ट करेगा किसी भी बॉडी पे, वो अपोजिट डायरेक्शन उसकी मोशन में करेगा, ठीक है जब। और ड्रैग फोर्स को हम ज्यादातर यूज करते हैं फ्लूइड के अंदर, जो हमारे पास फ्लूइड्स होती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास मोशन होगी फ्लूइड के अंदर तो ड्रैग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करेगा उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स कहेंगे। और ड्रैग फोर्स जो हमारे पास है ये हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है ना। ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या है? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। किस तरह वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है? कि ड्रैग फोर्स हमारे पास इंक्रीज करेगी हमारे पास जब स्पीड किसी भी बॉडी की इंक्रीज होगी, यानी अगर बॉडी की, अच्छा किसी ने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ये हमारे पास कांस्टेंट्स होती है, ये डिफरेंट बॉडीज के लिए हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी ना वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। या जिस तरह कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी हमारे पास हर बॉडी की डिफरेंट होगी, ये कांस्टेंट्स है हमारे पास इनामुल्ला, ठीक है। तो जो ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होगी और ड्रैग फोर्स हमारे पास इंक्रीज करेगी जब हमारे पास किसी भी फॉलिंग बॉडी हो वो इंक्रीज करती है, ठीक है ना। फिर हमारे पास आती है विस्कोसिटी। जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो हमारे पास फ्लूइड्स है उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। आपने बहुत दफा सुना होगा ना कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है तो वो हम कहते हैं कि वो इजीली फ्लो नहीं करता, जिस तरह हमारे पास हनी है। हनी जानते हो ना, शहद जो हमारे पास होता है। यस सर। यस सर। तो वो इजीली मूव नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी विस्कोसिटी हमारे पास क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है ना। और जो सब्सटेंस हमारे पास इजीली फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी विस्कोसिटी हमारे पास क्या है? कम है। कम है। कम है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जिस तरह हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था जो एक ने पूछा था, तो वो भी कांस्टेंट्स होती है, इस तरह ये भी कांस्टेंट्स हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है हनी के लिए हमारे पास डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी
जो हमारे पास वाटर है उसके लिए डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी एंड सो ऑन. डिफरेंट फ्लूइड्स के हमारे पास डिफरेंट क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अच्छा फिर हम आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे. हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज है कि जो वेलोसिटी अटेन करती है, गेन करती है कोई भी बॉडी जब वो किसी भी विस्कस फ्लूइड जो हमारे पास होगा वो उसमें क्या करेगी, फॉल करेगी. और जब उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है ना, यानी कोई भी वेलोसिटी जो अटेन करेगी, कोई भी बॉडी जब वो फॉल करेगी किसी भी विस्कस फ्लूइड के अंदर तो हम उस, और जब उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो हो जाएगी तो हम उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे. ठीक है ना. अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक मास है जिसको हम कहते हैं एम, और वो फॉल कर रही है वर्टिकली डाउन. वो भी जीरो होगी. जीरो होगी, वेरी गुड. तो जो ड्रैग फोर्स इंक्रीज तब करेगी जब हम बॉडी के गेन करेगी स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है ना. तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जो ड्रैग फोर्स होगी वो इक्वल होगी जो वेट है उस बॉडी की. ठीक है ना. तो न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, ये अभी आप देखिए ये जो फिगर है इसमें मास है ये नीचे की तरफ जा रही है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो mg की इक्वल है और उस पर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो मैंने आपको बताया था कि वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. तो अगर नेट फोर्स हम यहाँ पे निकालना चाहे तो वेट माइनस ड्रैग फोर्स विच इज बी वी दिस विल बी इक्वल्स टू एम ए. ठीक है ना. फोर्स हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ में एम ए के इक्वल होता है ना. तो ड्रैग फोर्स नेट फोर्स जो उस पर लग रही है इज इक्वल टू एम ए. तो अगर इससे हम ए निकाल दे तो जी माइनस बी बाय एम इन टू वी. इसको हम इक्वेशन नंबर वन पुट कर लेंगे. इसे सिर्फ इस इक्वेशन से हमने ए निकाल दी तो ए निकालने के लिए एम जी बाय एम आ जाएगा माइनस बी वी बाय एम. तो एम एम के साथ कट जाएगा तो बी बाय एम इन टू वी आ जाएगा और जी. ठीक है ना. तो ये हमें शो कर रहा है कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की डिक्रीज होगी, जब हमारे पास इंक्रीज करेगी वेलोसिटी और बिल्कुल जीरो हो जाएगी जब हमारे पास क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो यूनिफॉर्म हो जाएगी. अल्लाह की बंदी. ठीक है ना जालिम लोगों. अच्छा नाउ जो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला था एमन. एक्सेलरेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि डी वी बाई डी टी. हाँ जी सर. हाँ तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी को अगर लिख सकते हैं तो उससे हमने टी निकाल दिया. तो अगर इससे टी निकाल दे तो डी टी बन जाएगा. तो डी टी और को हम जब इंटीग्रेट कर ले तो इंटीग्रल और डी आपस में कट जाएगा तो सिर्फ टी रह जाएगा ना. और इधर इस साइड पे हमारे पास इंटीग्रल बच जाएगा. समझ आ गई है ना. यस सर. हाँ और हमारे पास जो इंटीग्रल के इनिशियल और फाइनल वो है क्या कहते हैं लिमिट्स है वो वी नॉट और वी है. तो इनिशियली हमारे पास जो कोई भी बॉडी थी वो क्या थी, रेस्ट में थी ना. हम जब बॉडी को फॉल कर रहे थे तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो थी ना. तो वी नॉट हमारे पास जो लिमिट हमने पुट की है तो वो जीरो हो जाएगी अप टू सम वेलोसिटी विच इज वी. ठीक है ना. और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह हमने ये पुट कर लिया. ये देखिए जी माइनस बी बाय
एम एंड वी, ये हमने क्या किया इसमें पुट कर लिया इस इक्वेशन में। अच्छा अभी आप देखें ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, जीरो टी इज इक्वल टू जीरो टू वी एम डी वी ओवर एम जी माइनस डी वी, ठीक है ना। अच्छा आपको वो फार्मूला याद है कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी चीज हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रल उसका किस तरह लेते हैं? सर उसका नेचुरल लॉग आ जाता। बिल्कुल सिबगा, वेरी गुड, उसका नेचुरल लॉग हमारे पास आ जाता है। तो ये जो हमारे पास है हमने इसको इस तरह किया कि b से मल्टीप्लाई किया इसको और b से डिवाइड किया, माइनस से माइनस b से मल्टीप्लाई किया और माइनस b से क्या किया डिवाइड किया इसको इस इक्वेशन को। तो जो इंटीग्रल है एम जी तो कॉन्स्टेंट है ये तो जीरो आ जाएगा, लेकिन b का जो इंटीग्रल है वो बी डी वी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो या ये जो है ये डिनोमिनेटर इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एम जी माइनस बी वी लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ अच्छा तो हम अभी इसको इसमें लिमिट्स पुट कर लेंगे, पहले हम उसमें वी पुट कर लेंगे फिर उसके बाद माइनस फिर उसमें जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ अगर v पुट कर ले तो log ऑफ mg माइनस bv आ जाएगा माइनस log ऑफ mg और v की जगह जीरो पुट कर लिया तो ये सारा टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगी जीरो ना, तो log ऑफ mg आ जाएगा। हाँ ये टर्म जीरो आ जाएगा लेकिन mg तो बच जाएगा ना, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास नेचुरल लॉ की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास माइनस में हो तो हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो लॉग ऑफ mg माइनस bv डिवाइड बाय mg। अच्छा फिर हमने क्या किया जो माइनस m बाय b है हम वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए ये इधर आ गए और इधर हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गया लॉग ऑफ mg माइनस bv डिवाइड बाय mg। अच्छा नेचुरल लॉग को अगर हमने खत्म करवाना हो तो हम क्या करेंगे एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग अगर हमने ले लिया तो नेचुरल लॉग के साथ ये एंटी लॉग खत्म हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास e पावर्स माइनस बी टी बाय एम बन जाएगी, ठीक है ना। फाइंड करना चाहते हैं तो वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अमीर हमजा, अमीर हमजा आपको आवाज आ रही है? अमीर हमजा आपको आवाज आ रही है? बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, इनाम आपको आवाज आ रही है? इनाम यस सर। इकरा आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। किरण जी सर। उस्मान आपको आवाज आ रही है? यस सर जी। मारिया, मारिया आपको आवाज आ रही है? मुनीबा आपको आवाज आ रही है? मुनीबा यस सर आ रही है। मुकद्दस यस सर। मुजम्मिल यस सर। नूर आपको आवाज आ रही है? अच्छा तो जो वेलोसिटी है इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी ना फॉलिंग बॉडी के लिए, ठीक है, जो एयर में वो
अंडर द ग्रेविटी वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है ना। तो dv by dt हमारे पास आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे हम इस इक्वेशन को, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी g e पावर्स माइनस bt by m, ठीक है ना। सिंपल डिफरेंशिएट करना है हमने इसको, ठीक है। वन का डिफरेंशिएट हमारे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर करेंगे जीरो, 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 अगर हम अगर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e पावर्स माइनस बी टी बाय एम आ जाएगा, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो माइनस बी बाय एम आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो फिर m m के साथ कट जाएगा, b b के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास g e पावर्स माइनस बी टी बाय एम आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं फॉलिंग बॉडी की जब वो t इज इक्वल टू जीरो पे हो। तो वेलोसिटी किस तरह फाइंड करेंगे जब t इज इक्वल टू जीरो हो, इधर इस इक्वेशन पे आ जाए, ये जो इक्वेशन है, अगर इस यहाँ पे हम t को जीरो पुट कर ले इस इक्वेशन में, नजर आ रहा है ना सबको, तो t इज इक्वल टू जीरो पे पुट कर ले तो ये जीरो आ जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी t इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो। तो हम क्या कह रहे थे कि जब किसी भी फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियली जीरो होगी ना, तो टाइम t पे उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अच्छा, अभी हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं t इज इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे हम t की जगह जीरो पुट कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो इक्वल आ जाएगी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है ना। यस सर, यस सर। अच्छा, फिर हम t को, अगर हम t को इन्फिनिटी पुट कर ले वेलोसिटी के फार्मूले में, तो हमारे पास वेलोसिटी जो आ जाएगी mg by b आ जाएगी। अगर हम एक्सेलरेशन में t इन्फिनिटी पुट कर ले तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह से आप बड़े काबिल हो। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जो हमारे पास किसी भी बॉडी का अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टू डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी टू डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब है कि वो टू डायमेंशन में मूव करेगा, एक्स वाई फॉर एग्जांपल हमारे पास है, टू डायमेंशनल है ना एक्स वाई। अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल होगा तो फिर क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई जी। तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल में मूव कर रहा है, तो किसी कोई भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन ही शो हो रही, स्क्रीन शो हो रही, हो रही है कि नहीं, नेक्स्ट वाली नहीं हो रही, नहीं सर। यस सर, अब हो गई है, अब हो रही है। अच्छा, तो जो हमारे पास प्रोजेक्टेड बॉडी होगी हम उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे, और जो पाथ वो फॉलो करेगा वो जो प्रोजेक्टाइल है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगी हमारे पास, कोई एक्सप्लेन कर दे। टू डायमेंशनल मोशन हमारे पास जब होगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हम उसको क्या कहेंगे, किसी भी बॉडी की, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और जो प्रोजेक्टेड बॉडी होगी जिसको हम प्रोजेक्ट करेंगे उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, और जो पाथ वो फॉलो करेगी वो प्रोजेक्टाइल हम उसको क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मास है, और उस मास है उसको हम क्या कहते हैं, एम।
और उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। ये आप इक्वेशन देख रहे हो ना, ये सॉरी ये फिगर आप देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। तो जो हमारे पास मास है जिसको हम एम कहते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम लॉन्चिंग पोजीशन ओ। ये लॉन्चिंग पोजीशन है, लॉन्चिंग पोजीशन जानते हो ना, जिससे हम इस बॉडी को लॉन्च करेंगे। और हमारे पास जो प्लेन होगी वो हमारे पास कौन सी प्लेन होगी, टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन होगी, ठीक है, टू डायमेंशनल। और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, वी नॉट है। और ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये प्रोजेक्टाइल एंगल बनाएगी, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम वी नॉट जो हमारे पास वेक्टर है, अगर हम इसकी कंपोनेंट्स बना दे, तो इसका एक कंपोनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, वी एक्स जो x एक्सिस के हैं, और वी वाई जो y एक्सिस के उस डायरेक्शन में है। तो ये दो कंपोनेंट्स इसके बन जाएंगे, ये v नॉट वेक्टर जो है, ठीक है। तो हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा था। तहरीम आप कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर, वो बात जानते हो। अच्छा, तो वी एक्स जो हमारे पास है ये इक्वल आ जाएगा, ये हमने जिस तरह वेक्टर्स में भी पढ़ा था, वी नॉट कॉस अल्फा। यानी अगर आप कॉस अल्फा को देख ले तो ये वी एक्स डिवाइड बाय वी नॉट के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम वी वाई कंपोनेंट को देख ले तो ये हमारे पास वी नॉट साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा, जिस तरह आपने वेक्टर्स में इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है अभी। और जो हमारे पास वेलोसिटी, अगर उसको वेलोसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिख ले, तो v नॉट हमारे पास वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर लेंगे कि वी एक्स और वी वाई के वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो वी एक्स हमारे पास वी नॉट कॉस अल्फा आई है प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी टाइम पे, तो वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो होगी वो एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, इसको हम इक्वेशन नंबर टू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो फोर्सेस एक्ट करेगी प्रोजेक्टाइल पे, वो हमारे पास क्या होगी, दो फोर्सेस होगी, एक हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगी और दूसरी हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटी फोर्स। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप फेंकते हो तो उस पर दो फोर्सेस हमारे पास होगी ना, एक एयर रेजिस्टेंस होगी एयर की वजह से जो फोर्स लगेगी, और जो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगी। तो हम निग्लेक्ट करेंगे जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है सिंप्लिसिटी के लिए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो किस डायरेक्शन में करेगी उस बॉडी पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगी, ठीक है ना। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगी तो F इज इक्वल टू माइनस एम जी इन टू जे यूनिट फैक्टर। अगर जे यूनिट फैक्टर हमने इस तरह लगाया है, ये बिल्कुल y एक्सिस के बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है ना। अच्छा, m हमें फिर पता है कि हमारे पास जो फोर्स है न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है कि एम ए के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो एम एम के साथ कट जाएगी और ए को हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह हम वेक्टर्स में लिखते थे कि डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। यस सर। अच्छा, हमने स्क्रिप्ट इसको डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। फिर हमने इसको जो स्क्वायर है हमने इसको अलहदा अलहदा लिख लिया, यानी डी बाई डी टी एन टू डी आर बाई डी टी, इस तरह लिख सकते हैं ना, दोबारा से डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आता है इससे। यस सर। अच्छा, ये डी टी जो अब है ना लेफ्ट हैंड साइड से हम डिनोमिनेटर में है ना, तो राइट साइड पे जब चला जाएगा तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा ना दूसरे साइड पे, तो ये डी टी आ जाएगा। अच्छा,
अभी हम इसको इस तरह करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है ना। हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये डी और इंटीग्रल आपस में कट जाएंगे। माइनस जी इंटीग्रल ऑफ डी टी बन जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ डी टी हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, वन के, वन के इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है इंटीग्रल जब हम डी टी के लेते हैं, टी के इक्वल होता है सर, टी के इक्वल होता है, टी के इक्वल, वेरी गुड, टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये डी आर बाय डी टी इक्वल आ जाएगा माइनस जी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। सर नेक्स्ट स्क्रीन ही शो हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको, अब हो गई है सर, हो रही है, हो रही है सर। अच्छा तो ये हमारे पास और प्लस सी आ जाएगा, सी को हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं, और ये वैल्यू डिटरमिन करेगी जब हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन हम किस तरह लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है ना, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमारे पास जो डी आर बाई डी टी है ये हमारे पास वी नाट के इक्वल आ जाएगी। तो जो वी नाट है हम इसमें क्या कर लेंगे, वी नाट और टी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, जीरो पुट कर लेंगे। तो माइनस जी एन टू जीरो जे यूनिट वेक्टर प्लस सी, तो ये हमें सी की वैल्यू यहाँ पे देगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो सी हमारे पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा, वी नॉट, वी नॉट के, वी नॉट के, हाँ। अच्छा तो डी आर बाय डी टी जो है ये जो ऊपर है ये डी आर बाय डी टी ये माइनस जी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट के इक्वल आ जाएगा ना, सी की जगह वी नॉट आ गया क्योंकि सी हमारे पास वी नॉट के इक्वल आ जाएगा जब हमने टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर लिया। अच्छा तो डी आर इससे हम निकालते हैं तो डी टी को उस साइड पे ले जाएंगे, तो डी टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो डी इंटीग्रल के साथ खत्म हो जाएगा तो आर बच जाएगा, और इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे, अगर टी का हम इंटीग्रल लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। तो ये टी स्क्वायर बाय टू आ गया प्लस वी नॉट टी आ गया, ठीक है ना। इस इंटीग्रल की समझ आ गई आप लोगों को, यस सर, यस सर। तो आर हमारे पास माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर आ गया प्लस वी नॉट की जगह हमने जो निकाला था ना वो पुट कर लेंगे जो कंपोनेंट्स में हमने किया था, v नॉट cos अल्फा i यूनिट वेक्टर प्लस v नॉट sin अल्फा j यूनिट वेक्टर और t उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। तो अभी हम इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास था और इक्वेशन नंबर 3 जो है हम इसको कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है r वो इक्वल है xi यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमने क्योंकि ये भी r के इक्वल है और इक्वेशन 2 भी r के इक्वल था ना, यस सर, यस सर, हाँ। तो r हमारे पास xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर के और राइट हैंड साइड ये सारा कुछ दोबारा से आ गया हमारे पास। अच्छा अभी हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि जो i यूनिट वेक्टर है हम उसको अलहदा कर लेते हैं और जो j यूनिट वेक्टर है हम उसको अलहदा कर लेते हैं। तो i यूनिट वेक्टर एक यहाँ पे है v नॉट cos अल्फा i, बाकी तो नहीं है ना, बाकी ये भी j है ये भी j है ना, तो इन दोनों को हम आपस में लिख लेते हैं और j इससे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, यस सर, हाँ। अच्छा अभी हम कंपेयर कर लेंगे कोएफिशिएंट को जो i और j यूनिट वेक्टर के हैं। तो इधर भी i है इधर भी एक i है ना, तो x आ जाएगा v नॉट cos अल्फा t के और इधर j है तो y इक्वल आ जाएगा, इधर ये j है v नॉट sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
तो इसको हमने इक्वेशन 4 और 5 कह दिया, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 4 से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी की वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं तो एक्स ओवर वी नॉट कॉस अल्फा आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लेंगे। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लें टी की जगह, इस इन दोनों टी की जगह जो है हमने ये पुट कर लेंगे, तो ये यहाँ पे पुट कर लिया, और ये चूंकि टी स्क्वायर है तो ये भी सारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, अभी हमारे पास y इज इक्वल टू x, हाँ, और sin अल्फा बाय cos अल्फा हमारे पास tan अल्फा आ जाएगा ना, और वी नॉट के साथ कट जाएगा, माइनस हाफ जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 वी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमें बताती है ट्रेजेक्ट्री किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए। और अगर आपने वो फिगर देख ली थी ना, वो हमें क्या बता रही थी कि वो हमारे पास क्या है, पैराबोला है, ठीक है। yes, चले यहाँ तक yes, काफी sir. था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा रह गया, ये हम बाद में कर लेंगे। ओके सर, ठीक है जी जी सर, एक बार आप स्टार्ट से रिपीट कर देंगे, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दें, मेरा तो गला बैठ गया जी। जी वाले जी, वो आप नीचे जाए ना, और नीचे जाके ग्राउंड फ्लोर पे वो एक ऑफिस होगा, उस ऑफिस में आप पूछ लें रमजान साहब से। हाँ, रमजान साहब है ना नीचे, बिल्कुल आप नीचे जब जाए ना ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप बिल्कुल ये उधर जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको ना, उधर से आप नीचे जाए, लिफ्ट करें और फिर लिफ्ट करें कॉरिडोर में, तो उधर रमजान साहब होंगे, या उधर जो भी ऑफिस में हूँ उनसे पूछ ले कि मेरे इस तरह का मसला है, ठीक है जी। जी जी, आप लोग बताएं अभी। सर कर देंगे काइंडली रिपीट, ये तो बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया, आपको कहाँ से रिपीट करें। सर स्टार्ट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था आज, स्टार्ट से स्टार्ट से मरवा आपके लिए स्टार्ट से कौन रिपीट करेगा, मैं उसको जो है ना क्या कहते हैं पेजेस, जीआर जो है, जीआर आप रिपीट करें, शाबाश, मैं आपको पेजेस वो करता हूँ वन बाय वन। जीआर जी आर रिपीट सर, दूसरा सर मेरा भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, दूसरा टॉपिक मैंने भी नहीं समझा। चले स्टार्ट से रिपीट करें इनके लिए, मैंने पेज को आपको लोगों के लिए शेयर किया है। आपको पेज पे क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे सर, लास्ट वाला पेज ही है अभी तक, लास्ट पेज नजर आ रहा है अभी तो। अच्छा, मैं दोबारा से अभी देखे। यस सर, फर्स्ट वाला पेज जी। शाबाश, वन बाय वन रिपीट करें ताकि आप लोगों का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। कौन रिपीट करेगा? शाबाश, जल्दी करें ना, कौन रिपीट करेगा? निम्रा, ऐसा आप कर सकते हो? ऐसा यस सर जी, ऐसा आप रिपीट करें, शाबाश। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो भी दो बॉडीज होती हैं उनके दरमियान मोशन की मुखालफत करती है, मतलब कि दो बॉडीज अगर एक दूसरे के ऊपर मोशन कर रही हैं तो जो उनके दरमियान रुकावट होगी मोशन
प्रेडिक्शन के अगेंस्ट वो प्रेडिक्शन है, ठीक है। प्रेडिक्शन की दो टाइप्स है, स्टैटिक प्रेडिक्शन और काइनेटिक प्रेडिक्शन। स्टैटिक प्रेडिक्शन वो प्रेडिक्शन है जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर तो होती है लेकिन मोशन नहीं हो रही है। इजा आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, ऐसी प्रेडिक्शन। मरवा स्टैटिक मरवा जी, मरवा। यस सर, मैं यही कह रही हूँ, इज़ा की आवाज क्लियर नहीं आ रही। इस तरह में जो बॉडीज होती है वो मूव तो नहीं कर रही लेकिन फ्रिक्शन के दरमियान मौजूद होती है। और इज़ा बात सुने, इज़ा आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं बाहर जाके रिपीट करूँ? जी बाहर जाए ना, मुझे क्या पता है आप अंदर है कि बाहर है। यस सर। सर मैं एक मिनट चेंज करती हूँ लोकेशन। सर आप ठीक है? जी अभी बताए, आपकी आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है इजा। सर जी अभी कहे दोबारा से रिपीट करें। सर फ्रिक्शन दो नहीं इजा आप ना करें इजा। निम्रा सर मैंने भी 20 मिनट बाद लेट हुआ था, मेरा भी जॉइन। सर अभी मैंने कोई और कर दे सर, मैं कर दूं। जी शाजमीना आप करें, शाबाश। फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, ठीक है। जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और फ्रिक्शन फोर्स होती है जब मोशन ना भी हो तब भी ये फोर्स मौजूद होती है। अगर मोशन हो तब भी होती है, मोशन ना हो तो फिर भी होती है। फ्रिक्शन के दो काइंड्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में जो है वो दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर होती हैं लेकिन वो रेस्ट में होती हैं, तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इसकी हम दो एम्पिरिकल लॉज हैं जिसको ये मैक्सिमम फोर्स जहाँ पर होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। एक होती है इंडिपेंडेंट एरिया होता है जहाँ पे जो दो फोर्सेस कांटेक्ट में होती हैं वो एरिया इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा जो होती है ये नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है कि जो मैक्सिमम फोर्स होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की और जो नॉर्मल फोर्स के जो होती है मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड की जो रेशो होती है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इक्वल होता है म्यू एफ एस इंटू एन। म्यू एस जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है और एन जो है वो नॉर्मल फोर्स होती है। दूसरी काइंड इसकी काइनेटिक। जी अभी थोड़ा सा वेट कर ले ताकि मैं जो है ना दूसरा स्लाइड शेयर करूं, ठीक है। दूसरा कौन सा कहां पे होगा? सबर करें अभी के लिए, दोबारा से हर चीज ओपन करने के लिए। जी सर इन्हें कहें कि बाद में जो अब समझा रही हूँ उनसे कहे के बाद में व्हाट्सएप पे समझ लें। जी खैर कहे है अभी है काइनेटिक फ्रिक्शन बताएं। आप खुद अपने लिए भी कर सकते हो, आपको नहीं पता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से इसमें ये प्रोपोर्शनल होती है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ही जो मैग्नीट्यूड होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के और नॉर्मल फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होता है उनकी रेशियो होती है। इसको हम एफ के से डिनोट करते हैं जो कि म्यू के इंटू एन के इक्वल होता है। म्यू के जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और एन जो है वो नॉर्मल फोर्स होती है।
और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव स्पीड के इंडिपेंडेंट होती है जो कि सरफेसिस के ऊपर मूव करती है। नेक्स्ट है रोटर। द हॉलो स्ट्रेंटिकल शेल व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटर। जो एक शेल के अंदर होती है जो एक शेल के अंदर कोई भी पर्सन है उसको अगर हम रोटेट करें अपने ओन एक्सिस के दरमियान अगर वो मूव करेगा तो उसे हम रोटर कहते हैं। इसकी अब एक्सप्लेनेशन में यह है कि अगर एक पर्सन जो है वो एक रूम में एंटर हुआ है और उसने डोर उसका क्लोज कर दिया तो रूम नहीं है रोटर है। रूम और रोटर में फर्क है। रूम नहीं है रोटर है। ओके सर। जब एक पर्सन रोटर में एंटर होता है और उसका डोर जो है वो क्लोज कर देगा तो वो डोर क्लोज करके उसकी वॉल के साथ खड़ा हो जाएगा तो जब हम रोटर के बटन को प्रेस करेंगे तो जो रोटर है वो मूव करने लग जाएगा रोटेट करने लग जाएगा रोटेट करने लग जाएगा और जब हम उसका डोर ओपन करेंगे तो जो वो पर्सन होगा वो नीचे नहीं गिरेगा बल्कि वो उसी की जो वॉल्स होंगे उसके साथ वो स्टिक कर जाएगा और उसको जो मिनिमम स्पीड होगी जो उसके नीचे गिरने से हम बचाने के लिए यूज करते हैं उसको हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे। जो इसके तीन उसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं वो एक तो उसका वेट होता है मैन का जो डाउनवर्ड मूव कर एक्ट कर रहा होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो अपवर्ड मूव करती है और एक नॉर्मल फोर्स होती है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एम जी के इक्वल होगी जो उसका वेट होगा उसके इक्वल होगी तो एफ एस जो है हमारे पास म्यू एस इंटू एन के इक्वल है। म्यू एस इंटू एन आप दूसरे पेज पे चले गए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आप दूसरे पेज पे चले गए तो म्यू शाजमीना आप दूसरे पेज पे चले गए अभी। यस सर अभी समझ आ रही है कि नहीं? अभी इधर अगर कोई मसला है तो बता दे। रोटर के अंदर सर ये रोटर जो है ये वर्टिकल होता है जी। जी शाजमीना जी शाजमीना बताए ओके जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उसके जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो जो मैन का जो वेट होगा उसके के साथ वो बैलेंस हो जाएगी तो एफ एस जो है वो एम जी के इक्वल होगी तो एफ एस म्यू एस के एन के इक्वल होता है तो एफ एस की जगह पे हम म्यू एस एन पुट कर लेंगे जो कि एम जी के इक्वल होगा। इसमें से हम नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे म्यू एस जो है वो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा तो एन जो है वो ये जो मूव कर रहा है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल में मूव करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करेगा और जो वो फोर्स प्रोवाइड करेगा वो एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होगी और ये नॉर्मल फोर्स से बैलेंस्ड होती है तो इसको हम नॉर्मल फोर्स के इक्वल रखेंगे। तो एन दोनों अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करें तो वो दोनों नॉर्मल फोर्स के इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं एम